हमारी जो गाड़ी का जो है ना मीटर, ये तैयार हो चुका है। मैं आप लोगों को एकदम मीटर चेक करवाता हूँ। ये देखें जी, कार्बन फाइबर में जो है ना ये ग्रिल हमारी रैप हो गई है। और अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, अनदर व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और मजे में होंगे। आज का सीन यह है कि अगर आप लोगों ने मेरा लास्ट का व्लॉग देखा है तो आज हम अपने दोस्त की गाड़ी को लेके आए हैं कल्टस, जिसमें हम लोगों ने लास्ट व्लॉग में कुछ काम करा थे, वो भी आप लोगों को दिखाता हूँ। और आज जो काम करवाने हैं वो भी आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। अभी सबसे पहले आए हैं अपनी गाड़ी का मीटर जो है ना ये तैयार करवाना है, और वो मीटर उतार के ले गए हैं। तो अभी चलते हैं मीटर वाले के पास, और गाड़ी भी मैं आप लोगों को एक दफ़ा बाइक से दिखाता हूँ जो काम करवाए थे लास्ट व्लॉग में। इसके ये पैनल, ये जो है ना डोर पैनल, ये नए डलवाए थे, और बाइक से आप लोगों को गाड़ी दिखाता हूँ। ये रही जी वो गाड़ी, और इस गाड़ी में लास्ट टाइम हम लोगों ने मैश ग्रिल इंस्टॉल करवाई थी, और फोग लैम्प वाला बम्पर इंस्टॉल किया था, फोग लैम्प इंस्टॉल किए थे, और कुछ इस तरह के छोटे मोटे जो काम हम लोगों ने किए थे, और इसमें जो डोर पैनल है वो इंस्टॉल किए थे। तो आज अभी इसका मीटर तैयार करवाना है, और फिलहाल जो इसमें है ना अभी आज इसके जो है ना सीट कवर ये चेंज करवाने, अभी सीट कवर के हालात आप लोग चेक करें कि क्या बने हुए हैं। तो ये इस गाड़ी के अभी फिलहाल सीट कवर के लाते हैं, मीटर उतार के ले गए, मीटर तैयार हो जाएगा तो मैं फिर आप लोगों को दिखाता हूँ। चलिए, ये शॉप है इनकी जो आप लोग पूछ रहे थे ना कि कहाँ से मीटर करवाया था, तो मैंने यहाँ से जो है अपनी गाड़ी का मीटर करवाया था। अभी भी यहाँ पे कल्टस का ही जो है ना वो भी तैयार करवाता हूँ, जो दूसरी कल्टस है। तो जब एक दफ़ा मीटर हो जाता है फिर मैं आता हूँ, अभी जाके सीट कवर जो है उसके वो लगवाने हैं, वो लगवा लें। अच्छा जी, गाड़ी हम लोग लेके आ गए हैं ऑटो लैब पे, और यहाँ पे इसके सीट कवर का जो काम कर रहा है ना वो शुरू हो गया है। अभी तो हम आ गए हैं ना ऑटो लैब पे, जितनी देर तक सीट कवर का काम होगा इतनी देर में उसका भी हो जाएगा मीटर का भी। तो जाके मीटर का भी पता करेंगे, है भी जुम्मा, और कोशिश करेंगे कि जुम्मे से पहले पहले ही काम कंप्लीट हो जाए। लेकिन सीट कवर पे और मीटर वाले पे ज़्यादा टाइम लग जाएगा, उसने कहा है कि 2-2.5-3 घंटे लग जाएंगे, और 11 होने वाले हैं अभी से ही। तो देखते हैं, लेट्स सी क्या बनता है। ये हैं जी इसकी सीटें, और ये कुछ सीटों के हालात हैं। आपको गाड़ी एक दफ़ा अंदर से दिखाता हूँ कि फ्लोर मैटिंग का क्या हालात सूरत हाल है। और ये है जी, सारी सीटें शीटें उतार ली हैं गाड़ी में के फ्लोर मैटिंग जो है ना, ये मैं इसे अपने दोस्त को यही समझा रहा था, जहाँ जहाँ से खराब हुई यहाँ यहाँ से फिलहाल करवा लो सेट, तो सीट कवर चेंज करवा लो, कुछ टाइम के बाद जब बजट हो तो फिर बाकी पूरा ये साथ वाला। और कह रहा था कि इंटीरियर पूरा ब्लैक करना है, तो मैं कह रहा यही कह रहा था कि इसको एक ही दफ़ा करेंगे। अभी फिलहाल सीट कवर क्योंकि ज़्यादा खराब थे वो करवाए हैं, और लास्ट टाइम डोर पैनल चेंज करवा लिए थे। बाकी ये गाड़ी है, इसके गंदे हालात रखे हुए हैं, लेकिन शीशे फुल 100% अगले ने काले रखे हुए हैं, फ्रंट वाला 50% रखा हुआ है। अच्छा जी, अभी ये इसको जो है ना ग्रिल को कार्बन फाइबर में जो है वो रैप करवाने लगे हैं, और इसका लुक देखते हैं कैसी निकलती है। और बाकी भी इनके पास ये सारे रैप वगैरह पड़े हुए हैं, जो जिसको चाहिए ऑटो लैब पे आए और आगे ले लें। अच्छा जी, मीटर के डिटेल दें आप लोगों को, तो मीटर जो है हमारा अभी आधा घंटा और लग जाएगा, और इतनी देर में हमारे उधर सीट कवर भी जो है वो भी लग जाएंगे। जैसे ही मीटर फाइनल होता है तो फिर हम गाड़ी इधर ही ले आके आएंगे गाड़ी। तो वो बाय रोड पे नहीं हो जाएगा, तो बाय रोड पे नहीं हो जाएगा। ये देखें जी, कार्बन फाइबर में जो है ना ये ग्रिल हमारी रैप हो गई है, और ये माशाल्लाह बड़ी प्यारी लग रही है। हम जाके इस गाड़ी में लगाते हैं, फिर आप लोगों को एक दफ़ा लुक शुक दिखाते हैं, ये चेक करें। ये जी इसका हमने ये भी कार्बन फाइबर में करवा दिया, जो था ना क्या नाम है जिसके साथ ग्रिल करवाई है उसी के साथ ये भी करवा दिया। ये हैं जी इसके सीट कवर्स, और पीछे से आप लोगों को दिखाता हूँ। हेडरेस्ट अभी तैयार कर रहे हैं, तो बाकी मीटर के पास आ गए हैं, अभी मीटर तैयार हो गया, बस इंस्टॉल करवाना है। बाकी ये एक दफ़ा आप लोग चेक कर लें, तभी बनाएंगे ना। हमारी जो गाड़ी का जो है ना मीटर, ये तैयार हो चुका है, मैं आप लोगों को एकदम मीटर चेक करवाता हूँ। ये देखें अभी, तो एक सेकंड, ये दरवाज़ा बंद हो ना तो उसके बाद और ज़्यादा रोशनी हो जाएगी। दरवाज़ा बंद कर दिया, चेक करें।
ये उसके ना हाथ लगे हैं अभी, तो इस वजह से ये गंदा हो रहा है ना। तो बाकी ये मीटर माशाल्लाह बिल्कुल साफ सुथरा और बढ़िया यस हो गया, मेरी गाड़ी की तरह सेम टू सेम मीटर हो गया इसका। और ये इसके आर्म रेस्ट हम लोगों ने लिए हैं, ये हेडरेस्ट भी आ गए हैं बन के, तो ये मैंने इंस्टॉल कर दी गाड़ी की। अब इंटीरियर वाइज काफ़ी हद तक बेहतर हो गई है। बाकी जो बात कर लें पैसों के, 2500 मीटर के उसने लिए हैं और मेरी दफ़ा 2000 थे लेकिन इस दफ़ा उसने 2500 लिए हैं। और जो सीट कवर और हेड रेस्ट और ये फ्लोर मैटिंग पे सारे उतार के सामान बोर्ड जो होती है वो लगाते हैं जिसके साथ जुड़ जाती है, तो ये 10000 उसने उसके लिए, तो 2500 इसके हो गए, मतलब 12500 रुपये हो गए। तो ये चीज़ें मैं साथ इस वजह से आपको बताता हूँ ताकि जिस जिस चीज़ का आपको कन्फ्यूजन हो तो आइडिया हो जाता है। बाकी फिर भी कोई पूछे तो मैं उसको बता दूँगा कमेंट्स में। बाकी यार मिलते हैं इसके अगली नेक्स्ट जो है ना एपिसोड पे, और इसके जितने व्लॉग शॉग्स होंगे वो आप लोगों के एक साथ ही देखने को मिलेंगे। अब पता नहीं कब आएंगे ये व्लॉग्स। तो बाकी गाड़ी इंशाल्लाह ये दोस्त की है तो इसको एक तरह, पहली बात बता दूं कि ये जो गाड़ी है ना ये ओनर के मुताबिक ही तैयार की जा रही है, जो उसकी डिमांड है उसके मुताबिक ही किया जा रहा है। अगर मैं करता अपने मुताबिक तो मैं और सकता अलग तरीके से तैयार करता। तो बाकी है गाड़ी माशाल्लाह काफ़ी प्यारी हो गई, एक दफ़ा फिर मीटर देख लें। और बाकी आप लोग पूछ रहे थे यार मीटर का बताओ कहाँ से करवाया था, कितने पैसे लगे, आप लोग पूछ रहे थे मीटर का बताओ कितने पैसे लगे कहाँ से करवाया, तो यार ये सदर में है बाबर उस्ताद के नाम से ना, तो वहाँ से मैंने मीटर इसका तैयार करवाया था, तो अभी भी वहीं से तैयार करवाया। तो जिसने भी करवाना हो आए सदर में है कि या रावलपिंडी बाबर उस्ताद, उससे किसी से भी पूछें आपको पता चल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।